ये दिखता नहीं, दोनों यहाँ लिखा हुआ। सो ये वेस्ट बंगाल के थ्रेड वर्क हैंड द्वारा बनाए गए, ये क्या चीज है, ये नेकलेस है या क्या है? नेकलेसेस हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत सोहरा। लक्ष्मीकांत जी, कहाँ से? महाराष्ट्र। आप वेस्ट बंगाल से? कौन सी जगह? वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो आप वैरायटी है ये क्या क्या चीज यूज हुई है इसमें? ग्रास, ये वाला ग्रास, ये क्या कहते हैं इसको? बिना ग्रास। सो ये ज्वेलरी जो हैंडमेड है, इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने टाइम तक ये रहता है, ऐसे कैसे ही रहेगा? मतलब 5-6 साल ठीक ठाक पानी में ना भिगने से 5-6 साल रहेगा। 5-6 साल रहेगा। और इसका प्राइस किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं, आप थोड़ा प्राइस बताएंगे? जैसे ये नेकलेस, ये इयररिंग्स, 150 का है, और ये वाला 200 का, और ये वाला 200 का कड़े, और ये वाला है 300 का, ये वाला 200 का, और ये वाला है 450 का, और ये वाला है 700 का। 700। हाँ, ये जो ब्रेसलेट आप दिख रहे हैं ये ब्रेसलेट 200 का है, और ये वाला जो कांटे है 150 का है, और ये जो नेकलेसेस हैं ये वाले, ये ब्रास का मतलब टोकरा, ये भी हैंड, ये भी सब हैंडमेड बना हुआ है। ये ब्रास के भी, ये ब्रास का है, ब्रास पीतल जो बोलते हैं टुकड़ा का, ये भी हैंडमेड बनाया हुआ है, और इसका प्राइस भी 800 है, और ये 350 है, ये 500 है। सो आप एक चीज़ बताइए कि अगर क्लाइंट्स जैसे मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, आपसे मंगवाना चाहें, तो कोई व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है जिस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सअप नंबर से वो मेरा नंबर है 8515985598। ठीक है, थैंक यू भैया। तो दोस्तों, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और अच्छा भी है क्योंकि हमारे देश का कल्चर और हमारे देश की कलाकृति तो इतिहासों में भी मशहूर है। आप जैसे ये ग्रास द्वारा हैंडमेड बनाए गए देख रहे हैं, ये आदिवासी एरिया द्वारा बनाया गया है, और डिज़ाइंस एज इट इज़ ही ये रहेंगे 6-7 साल, हाँ भीगे ना तो आपके ख़राब नहीं होंगे। सो अभी मैंने आपको दिखाई है वेस्ट बंगाल की कलाकृति, हैंडमेड हाथ के द्वारा बनाए गए नेकलेस जो ग्रास के साथ आदिवासी एरियों में यूज़ होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हैं दिल्ली में। इसी टाइप की वीडियोस मैं अपने चैनल में आपको दिखाता रहूँगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ बाजार में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्रेक के बाद। बाय बाय दोस्तों।